चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास जी महाराज की देन उन्हां तो जो जज्बा मिलिया सिखी नूं वो मिलिया धर्म मंदरां दी उसारी दा जज्बा। सिख जिथे होवे अपने घर दे नाल नाल गुरु दा घर बनाना लाजमी समझदा है। ये दस भी किधरे होवन भावें उन्हां दा अपना घर बन सकिया कि नहीं बन सकिया, गुरु दा घर बनांदे ने। भावें अपना घर कच्चा होवे गुरु दा घर पक्का बनांदे ने। अपने घर दे भावें पित्तल ना होवे गुरु दे घर दे कलश ए सोने दे लांदे ने। एक सिख दी श्रद्धा जो गुरु रामदास जी तो मिली है उन्हां दी देन है। उन्हां दा मुख फरमान सी कोई भला कहो भावें बुरा कहो हम तन दियो है डार। चार बंदे भला भला आखन ते मनुख गुबारे दी तरह फुल जांदा है, ते चार बंदे बुरा बुरा कह देन ते मनुख ढेरी ढा के बैठ जांदा है। साहब कहिंदे नहीं, दुनिया की आखदी है, दुनिया की सोचदी है तेरे बारे, इसकी चिंता ना कर, तू खुद अपने बारे सही सोच। दुनिया की कहती है इसनों नज़रअंदाज कर, परमात्मा तेरे बारे की सोचता इसकी चिंता कर, इसकी फिक्र कर। धर्म मंदरां दी उसारी दा जज्बा धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन। पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शांति दा जज्बा शांति दा रंग उस खाके दे च भरिया। मनुख दे अंदर किन्नी क शांति होवे कि वह तत्ती तवी ते बैठ के भी क्रोधित ना होवे ते गिले नाल ना भरे, इन्नी शांति। क्रोध नाल भरिया होया जहांगीर, बदले दी भावना नाल भरिया होया चंदू, ईरखा नाल भरिया होया वड्डा भरा पृथ्वी चंद, चारों पासे दा वातावरण माहौल तपे होया। फिर देग तपी हुई उबलती हुई और इस तरीके नाल उबलती हुई देग और तवी तपी हुई, पर गुरु अर्जन देव जी की शांति देखने वाली है। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने इस दे एक रवाई लिखी है। साई मिया मीर ने जब धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नू तत्ती तवी ते देखिया कहिंदे ने वक्त दा ए चोटी दा फकीर रो उठिया, और जहांगीर नू दुख भी इसे गल दा सी कि साईं मियां मीर जिस दे राहीं असी चाहते सी कि पंजाब दे तबलीग दा काम होवे इस्लाम फैले मियां मीर दे आसरे ते, ये ते अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रख बैठा है, ये ते सुखमनी साहब पढ़न लग पे है। और गुरु अर्जन देव जी ने इसनों इतना वड्डा माण दिता कि हरिमंदर साहब की बुनियाद मियां मीर रखता है। थोड़ी गल नहीं, बहुत वड्डी गल है। आज जैसी तंग दिली दा सी मुजाहरा कर रहे हैं ना, गुरु घर इतना तंग दिल नहीं है। शायद दुनिया दे इतना कोई धर्म फराग दिल नहीं जितना सिख धर्म है। इस गुरुद्वारे च अल्लाह की धुनी भी लग सकती है, राम की धुनी भी लग सकती है। अल्लाह अल्लाह पै करते ने बाबा फरीद। राम नाम का जप पै जपते ने रामानंद परमानंद। गोबिंद गोबिंद की धुनी अलापदा पै जयदेव। गोबिंद गोबिंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन, जयदेव आयो तस्व पटंग बहुभूत सर्वगतन। मस्जिद देच राम नाम ले कोई जगह नहीं, मंदिर देच अल्लाह दी धुनी नहीं अलापी जा सकती, खुदा दी कोई चर्चा नहीं, अलग ने। एक कोई ते रूह है जमीन देच, धार्मिक मंदिर है जिस दे गुरुदेव कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने हैं जितने भी तेरे नाम ने। ये गल वखरी है, ना समझ लोगों ने
जिस दिन का धर्म नू अपने हथां च लिया धर्म नू संकीर्ण कर दिता है। राजनीतिक लोगों ने जिस दिन के गुरुद्वारियां दी बागडोर संभाली है उस दिन का धर्म का रस किसी हद तक दूर चला गया है। इवें विचकार गल आ गई, राजनीति चलावन राजनीतिक, धार्मिक मंदिर चलान धार्मिक मनुख, ते मसला हल होना सी। खैर साई मियां मीर दे राही जहांगीर चाहता सी इस्लाम फैले तबलीग का कम होवे, पर मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रख बैठा सी। इनू सुकून मिलदा सी सुखमनी साहब दे पाठ दे चां, और सतगुरु ने भी इसनू इतना सन्मान दिता कि सिख जगत दा और सारी दुनिया दा जद केंद्रीय अस्थान उसरन लगा तीर्थ हरिमंदर, उदी बुनियाद मियां मीर ने रखी। इस दे कन्ना जद खबर पहुंची कि तसीए दे के शहीद कर देन दा हुक्म जहांगीर कर गया, सत ते सता बहुत लंबे समय तक आपस दे टकरांदी रही है, और अज भी ये बदकिस्मती रही है जिन्हां कोल सता आउंदी है उन्हां कोल सत नहीं आउंदा, जिन्हां कोल सत आउंदा है उन्हां कोल सता नहीं आउंदी, जिन्हां कोल बाहर दी ताकत आउंदी है उन्हां कोल अंदर दी ताकत अध्यात्मक बल नहीं आउंदा, और जिन्हां कोल अध्यात्मक बल आउंदा है उन्हां कोल बाहर दी शक्ति नहीं आउंदी। तो अक्सर ऐसा होया है कि सताधारी वक्ती तौर पर सत नू तत्ती तवी ते बिठांदे रहने, सूली ते चाड़दे रहने, बंद बंद कटदे रहने, दीवारां दे चिणदे रहने। हिंदुस्तान विच कितने सूफी संत मौत दे घाट उतारे गए, शमस तवरेज दी मुल्तान विच पुट्ठी खल लाई गई, दिल्ली दे लाल किले च औरंगजेब ने सरमद नू कतल कीता। सत ते सता आपस दे टकरांदी रही है बड़े लंबे समय तो। खैर इस सत ते सता दा संगम होया, आरजी तौर ते वक्ती तौर ते सता दी जित होंदी है, सत दी हार होंदी है, पर कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही।